said she has read in Shastra that Krishna can appear in the deity form, Prakriti, or in your heart. She's asking, can he appear in both ways? कृष्ण जो है ये ग्रह में भी अपना प्रकाश करते हैं और हृदय कृष्ण और विग्रह में भी अपना प्रकाश करते हैं और हृदय में भी आते हैं. तो इनका कहना है कि इन्होंने शास्त्र में पढ़ा कि दोनों में से एक बात होती है, दोनों नहीं हो सकती क्या? At the same time. He himself becomes Vigra. No harm. And he comes in the heart of the devotee, no harm. At a time he can do lakhs and lakhs manifestations. He can act in so many. No harm. No one. He can do what we cannot think. When the coward boys, they were surrounded by the fire, and the fire was coming to kill them, they were crying, Krishna, Krishna, save me. So this, why is this bhakti? Why not bhakti? Oh, Krishna, save my body. He saved me. Who will serve you if we are dying? We were talking about Varna yesterday. So if the goal is to go beyond Varna, so what is the real use of Varna? कल वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो इनका प्रश्न है कि यद्यपि लक्ष्य है हमारा कि वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ के सनातन धर्म में स्थापित हो करें अपने को, तो फिर इस वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता ही क्या है? फॉर जनरल पर्सन देयर सो मेनी त्रिगुण सत रज तम एंड सो मेनी थिंग्स एंड दे हैव फॉरगॉटन कृष्ण मेक देम फ्रॉम देम Krishna has made some steps. Without his step, they cannot go up. They have no wings. But Bhakta has wings. They can go far. And they will have to come one step. So, if you see, they become so attached to their position in Varna, especially Brahmanas and Kshatriyas, they become so attached to their position, so they get stuck. ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने वर्णों में रह के उससे बड़े आसक्त हो जाते हैं, तो फिर ऐसे वर्णाश्रम धर्म की क्या फायदा? नहीं, कृष्ण हैज मेड और इस हैज मेड दैट इफ एनीवन फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म दे विल इजीली मेक प्रोग्रेस. But we see so many times, like even here, some people say, I am Brahman, I know best, I am Brahman. They know no need for Guru, no need for this. I came from Brahman. My father, being Brahmin, he was pure devotee. My mother, Krishna gave my birth in a Brahmin family, father, mother. I don't know what is flesh, what is cigarette and other things, never, and opium, anything in a boyhood. Never.
talking about. The greater will come to. There is a lower school. If anyone attached to lower school, they cannot go. But the schools have managed in such a way that from lower classes to upper classes. Your family was some angry when you became Gaudiya Vaishnava? Your family became angry when you left. They were so happy. Very happy. He also needs rest. Thank you.
Thank you.
भगवान की हैसियत से भी नहीं, एक मित्र और परम बंधु और एक पिता की भांति तुम लोग को भाई पुत्र की भांति दिलाए, प्रजाएं भी पुत्र ही। I call you not like king, not like Bhagavan. I know that all these subjects of the king are like friend or son. ये पुत्र की भांति समझे, कोई निहोरा नहीं है, कोई जरूरी है कि हमारी बात मान लो। तुम्हारा बहुत ही प्रिय बंधु है, हमारे माता पिता से भी बहुत अधीन है। तो देखो बड़े भाग मानुष फल न पावा, दूर दुर्लभ सत ग्रंथ अंत, बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य जन्म लिया। बहुत इस मनुष्य सब देवता लोग भी तरसते हैं, ये जाकर के भगवान का कुछ स्मरण करने हमारे उद्धार हो जाए। वहां पर भोगों की इतनी प्रचुरता है और इतनी भांति है कि वो लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप ही का देखा मैं, मुझको तो 5 दिन लग जाएगा वो ऑफिस पहचानने में, इनका ऑफिस कहाँ, उनका ऑफिस कहाँ, उनका ऑफिस कहाँ, वहाँ पर कौन चाहते हैं कि मनुष्य होकर के आए और हम कुछ नहीं। अच्छा क्या वजह है ये यहाँ पर इतने आदमी नहीं जा रहे हैं और लंबा समय आए किसको अपना सकते हैं, क्या कारण है? और एक दिन और रहता तो हम संख्या 3,000-4,000 है। क्यों कारण क्या? वो आप लोगों जैसे धनी नहीं है, वो मीडियम श्रेणी के हैं, किसी तरह से जीविका निर्वाह करके खाते पीते हैं बस। अधिक धनी होने से बस तो बड़ी भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ अनगावा। ये भगवान ने जो ये शरीर हमको दिया, हमारी कोई योग्यता से नहीं दी, हमने ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, इसीलिए देत ईश बिन हेतु सनेही, ये भागवत में भी ऐसा कहा। वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बेटे हमसे बिछुड़ करके चले गए, बड़े दुखी हैं। इसलिए मनुष्य को शरीर को पा करके और भगवान का भजन मेरा भजन छोड़ करके विषयों में लटपटाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? वो अमृत का प्याला है उसे उड़ेल करके और उसमें बीज पान कर रहे हैं। भगवत भजन क्या है? अमृत है जो इस शरीर से हो सकता था, इसको फेंक दिया और फेंक करके क्या पी रहे हैं? इसलिए इसका नाम विषय। बच्चों को जैसे कि अब उनको वो क्या लेते हैं, कोकोला, मिल्क नहीं लेंगे, छाछ नहीं लेंगे,
स्वभावी बेकार तो इसलिए वो विष पी रहे हैं ये नहीं जानते और काल को कर्म को और भगवान को दोष लेकर के कहते कि भगवान ने हमको ये कष्ट दे दिया, हमारी बीवी चली गई, हमारा लड़का मर गया, हमारा पति हमको छोड़ दिया, तरह तरह की ये चीजें हैं, बिजनेस फेल हो गया कभी, कहते हैं ये भगवान ने, हमारा कर्म ऐसा है, हमारा भगवान ने ऐसा कर दिया, दूसरों पर दोष देते, अपने कर्मों पर दोष नहीं देते, भगवान को भजन छोड़ करके तुम सुखी रह सकता है नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर के अपने जीवन का निर्वाह किसी तरह से करो, किंतु भगवान का भजन, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो जब देखेगा जैसा हुआ है, घर न छोड़ने की जरूरत है, अपने स्त्री पुत्र परिवार माता पिता भाई बंधुओं के साथ रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हुए भगवान का केवल थोड़ा सा भजन करना है और कुछ नहीं अधिक करना, ये समझो। अभी अभी अमेरिका में मैं गया था, वहाँ पर रिसर्च चल रहा था, 21 प्रकार के बीज पाए गए और उसमें आप लिख देते हैं जैसे इसका व्यवहार मतलब, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्दी जुकाम होने पर लेने से उसको दूर कर देता है, तो ये तो औषधि है ना, तो अच्छी स्थिति में ही औषधि लेंगे, टीबी और कैंसर की औषधि लेंगे और कुछ नहीं है तो आपको हो जाएगा, इसलिए ये सब चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, ग्रह की बर्बाद करते हैं, शांतता को बढ़ाते हैं, तामसिक भाव को बढ़ाते हैं, मांस मांस इंद्र सबसे दूर रह करके सहज रूप में भगवान ने फ्रूट फल सब बहुत कुछ दिए हैं, खाओ पियो शुद्ध रूप में रहो, माता पिता के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करो और संभालो सब कुछ अच्छी तरह से, भगवान सवेरे एक माला कर दिया नहीं किया ऐसे ही राम राम कृष्ण कृष्ण करें, क्या भजन में कष्ट जीवन एकदम बदल जाए। मैं चाहता हूँ बेटा तुम्हारा गीता संग, जब प्रभुपाद का संग किया है, उनको कीर्तन सुनाया है, तो तुम्हारा जीवन आज तुमको कुछ दे करके जाएंगे पहले उसको धारण कर और प्याज लहसुन सब छोड़ देना, यदि तो एक बार नहीं छोड़ता तो कुछ दिन में तुम्हारी भैया आकर के छुड़ा देगी और तुम प्याज लहसुन मत खाना, बस यही है और बाकी सब ठीक है। तुम सवेरे ठाकुर जी को प्रणाम कर लेना, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेना, भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में जाओ, काम करो धारो, तो सवेरे आकर के एक बार कर लेना, नहीं तो बस प्रणाम कर लेना, बस यही इसलिए तुम भैया और तुमको एक कीर्तन सुनाओ बजाते इसका छोटा भाई भी तो करता है ना, आपके वंश में ये आपके वंश की धारा को रखेंगे और इन पर स्नेह अधिक रखेंगे, ऐसे ये लोग आपके फॉलो कर, बेईमानी मत करना किसी का, उनको जो लाभ हो रहा है इसे ठीक चल रहा है, किसी का मैं हड़प लूं, उनका हिस्सा हड़प लूं, अपने भाइयों का उनका अपने चाचा का ये सब नहीं, तो गुरु मिल रहा बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे संतुष्ट रहना और भगवान का स्मरण करना और अपना खूब कोई भी पद अच्छा यदि तो वो भी करो, अब महामंत्र पीछे कर कोई पद हो या कोई भी I sing a tune that's a little different. This is a favorite Hare song. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you.
कृष्णा की जय, श्रीपाद भार्गव की जय, गोपाल की जय, गुरुदेव की जय। कोई भी ऐसा गोपाल जय जय गोपिंद जय जय Thank you.
से भी मेरी जो पढ़े लिखे नहीं है गरीब घर के लड़के हैं बहुत से हैं कुछ भी नहीं है उनको क्यों नहीं लेकर के आप इतना खर्च करते क्या कारण है कि उसके बच्चे के साथ में आपका रिलेशन है उस तरह से भगवान के साथ में हमारा जब तक रिलेशन नहीं होगा उनके प्रति ममता नहीं आएगी और वो हमको भी ऐसे ही छोड़ेंगे वो भी ग्रहण नहीं करेंगे जब हमारा उनके साथ में रिलेशन हम मान लेंगे और रिलेशन है उसको भूल चुके हैं केवल है रिलेशन हम उन्हीं के पुत्र हैं सब विश्व के जितने हैं सभी उन्हीं के अभी रिलेशन को भूल चुके हैं और फिर रिलेशन याद कर लेंगे और उनके साथ में जुड़ने के हमारे जो प्रभु हैं हमारे मित्र हैं हमारे सखा हैं हमारे बेटे हैं हमारे सुदर्शन कोई संबंध जोड़ लेंगे बस थोड़ा सा भी नाम करेंगे थोड़ा सा भी कुछ करेंगे वो सब ग्रहण करेंगे अभी जो कुछ भी करेंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि विश्वास नहीं संबंध नहीं गुरु इस महान संबंध को देखें यदि गुरु आशा है तो आज जो गुरु जानते नहीं है वो क्या करें तो इसलिए गुरु जैसा कोई बंधु नहीं है जो भगवान के साथ में रिलेशन करके हमारे बिगड़ी हुई कोटि कोटि जन्मों को सुधार दे हमारा जीवन सुखी कर दे दूसरा नहीं कर सकता इसलिए ये संबंध गुरु से नहीं आना चाहिए दूसरी बात हम जो हरे कृष्ण करते हैं 20 रुपए करना चाहिए जैसे एक पति स्त्री को एक ही पति होता है दो नहीं होता है भजन में भी ये कांतिक होना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 इसमें कितने नाम हैं 16 और 16 नामों में से तीन ही नाम बार बार आते हैं कृष्ण राम और हरे हरे कृष्ण और तीन ही नाम हरे कृष्ण और उधर हरे राम हरे कृष्ण और राम ये तीन नाम इधर उधर से घूम फिर करके आए ये तीन नहीं है इसको ऐसे समझिए कि वही कृष्ण ही का नाम है हरे हरि और उन्हीं का नाम है राम कृष्ण ही का यदि ऐसा भी ना हो राम के लिए भी राम यदि हो सकते राम के कोई हरि नहीं राम है कृष्ण है और हरि किंतु एक जो सच्चा उपासक है उसके लिए तीन नहीं होंगे उपासक एक ही सुख में आएगा हरे माने यहाँ पर कृष्ण के चित्त को भी जो हरण करने वाले अपने प्रेम से अपने प्रेम की सेवा से सौंदर्य से रूप से शील से गुण से कृष्ण के भी चित्त को हरण कर लेती है इसलिए उनका नाम है राधिका जी का हरा तो वो हरा से आया हरे और कृष्ण जो सबको आकर्षण करते हैं पशु पक्षी के जो कल बतला रहा था सबको आकर्षण करते हैं इसलिए वो कृष्ण है और राम कौन है राधा रमैया तीति राम जो जीवों के हृदय में रमण करते हैं उनको आनंद देते हैं स्पेशली गोपियों के हृदय में राधा जी के हृदय में सत्य में रमण करते हैं आनंद देते हैं रमण मने आनंद कर आनंद देते उस राधा रमण कृष्ण का ही नाम यहाँ पर राम है इसलिए ये जुगल मंत्र है राधा कृष्ण हरे कृष्ण माने राधा और हरे राम में क्या हुआ हरे राधिका जी और राम माने राधा रमन राम कृष्ण और इसमें भी एक बहुत रहस्य है ये गुरु शिष्य को देता है और किसी को नहीं बतलाता है वो क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण में जोड़ी है ना हरे और कृष्ण राधा कृष्ण की जोड़ी है हरे कृष्ण किंतु उसके बाद में हो गया कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण एक तरफ में हो गया और हरे हरे आधा हो गया और उधर में भी हरे राम 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 हरे तो एक है मिलन में जबकि वृंदावन में है राधा कृष्ण हरे कृष्ण दोनों आज
जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं या द्वारका तो विरह में हो जाते हैं, तो कृष्ण और कृष्ण एक तरफ में हरे हरे राधा राधा दोनों विरह में डूबे रहते हैं, इसलिए उस समय विरह का ये भाव है। आ रहा है समझ में ना, तुम्हारे लिए बतला रहा हूँ, ऐसे ही सोचना आप लोग इस तरह से। इसलिए प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक मिलन और एक, इसमें साधकों के लिए विरह अच्छा रहता है। जो आदमी हरिनाम करता है भगवान के लिए रोता नहीं, यही प्रभु आपका दर्शन होगा। महाप्रभु जी क्या कहते हैं, हाय हाय कब कृष्ण मिलेगा। यदि मान लिया कि जैसे जिसको हम प्यार करते हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाए और वो अब नहीं मिलेगा, जैसे पुत्र है जो दूर के लिए अभी चला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया उनका लड़का, तो मैया भी से भी बिला रही जैसे हमारा बेटा जा रहा है और बेटा भी सोच रहा है मैया को छोड़ करके नहीं आ जा रहा, मिलेंगे तब भी थोड़ा सा, यही प्रेम की निशानी है। जो माता अपने पुत्र के लिए और पुत्र अपनी माता पिता के लिए यदि ऐसा नहीं करते तो प्रेम नहीं रहा, प्रेम है इसीलिए तो सर्वस्व दे करके उसको बना रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं। ये प्रेम का दो पंगु के लिए नाम है हरे कृष्ण हरे बड़े प्रेम के साथ में, ऐसा समझना चाहिए कि ये नाम जो है ये कृष्ण स्वयं है राधा जी, ये हमको सर्वस्व दे सकते हैं, सभी दे देंगे और देते हैं, मैं तो इसको रियलाइज कर रहा हूँ, सब कुछ हो देते हैं तो विश्वास के साथ सर्व भाव के साथ सब कुछ हो देते हैं, यहाँ तक कृष्ण प्रेम दे देते हैं तो ये संसार होगा, इसलिए विश्वास के साथ तुम लोग भी विश्वास करके चलो विथ दिस अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट कृष्ण विल सी लुक आफ्टर एंड इट इज राइट दैट अनंत कोई चिंता जीवन में मत कर, भगवान का नाम कर लो, रूपात का हाथ भी हमारे ऊपर है। एक बार भी माला जपते हैं तो वो किसी की तुलसी की है कहाँ है, इसीलिए हम लोग वैष्णव की यही दया है सेल्फ लेस, बहुत अच्छा माला, ये ठीक नहीं है, भगवान ने हमको भी भेजा जिसे इसको अच्छा माला दे, कुछ ये कुछ ही नहीं है, सब तैयार होकर के मैं इसको एक बार जप लूं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Rama,
Suitcase and have a gift. She loves it. Among everyone. But I give everything out and then you come back. Come back. So I searched every bag. I searched every bag that I've got and I can't find it. So it could be in one of the bags that's just gone directly to my development because we can bring everything. What do you find out? मनुष्य सुखी हो सकता है इसके लिए वो पहनते हैं।
शास्त्र वेद वेदांत परिषद में नहीं है कि जितने भी प्राणी हैं जगत चारों कीट पतंग से लेकर के पशु पक्षी जानवर मनुष्य और देवता तक वो सभी भगवान के पार्ट एंड उनको भूल जाने से ये संसार में आते हैं कभी मनुष्य जन्म में आते हैं कभी गृह में कभी सुअर और तरह तरह के दुख कभी कभी मनुष्य जन्म में कभी बिरले ही कभी सौभाग्य से वो मनुष्य किंतु अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं उन्हीं चीजों में जिसको पशु लोग करते हैं खाने पीने भोग विलास लड़के पैदा करने और उनको भरण करने और शरीर को जो मैं समझते हैं शरीर से संबंधित वस्तुओं को समझते हैं कि मेरा है धन है परिवार है धन से सुखी हो जाएंगे किंतु आज तक विश्व में ऐसा कोई इतिहास में नहीं है जो धन के द्वारा सुखी हो सके पुत्र परिवार के द्वारा भी सुखी नहीं हो सका तो भी हम उसी के पीछे मनुष्य जन्म का कर्तव्य है जो इस रियलिटी को समझे कि हम भगवान के पास आश्रय जन्म से हम उनको ढूंढने से अभी जन्म होता है फिर हम वृद्ध हो जाते हैं तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और अंत में इस शरीर को छोड़ कहाँ जाना है कहाँ से आए हैं इसको समझ नहीं पाते इसके लिए कुछ चेष्टा भी नहीं करते और अंत में बिल भी लाते हैं इसलिए मनुष्य का फर्ज है अंततः मनुष्य का जो इस विषय में जो एक्सपर्ट है उनसे इन चीज़ों को समझे और समझ करके संसार में रहते हुए ऐसा संसार करें कि संसार में भी सुखी रह सकें और साथ साथ में इसके बाद में मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाएंगे वहाँ पर भी सुखी रहें और कभी भी इस संसार में हमें चक्र में जन्म करने का चक्कर नहीं इसीलिए हमारे वेदों में शास्त्रों में परिषद में ऐसी शिक्षा है जहाँ तक उत्तर शिक्षा है ऐसी शुद्ध सिद्धांत यह है उर्गारी भजिय राम सब काज विषय सब कामों को छोड़ करके मनुष्य का पहला और प्रथम कर्तव्य है और अंतिम कर्तव्य यही है कि इस रियलिटी को समझो ये तू कौन है इस विश्व का सृजन करने वाला कौन है और कैसे हम सुखी हो सकते हैं हमारी स्थिति ऐसी इस समय में है कि बहुत से पशुओं को वध करने के लिए कसाई लोग किसी जगह में दे रहे हैं कसाई खाने में और वहाँ पर उनको रख दिया है और थोड़ी सी हरी घास उनके सामने में दे दिया तो उस हरी घास के लिए सभी लड़ रहे हैं परस्पर किंतु वो नहीं जानते हैं कि ग्रुप बाई ग्रुप हम लोगों को कसाई खाने में ले जा करके काट रहे हैं ये उनको चिंता नहीं है अभी उनको ले जा करके काटेंगे उनको चिंता हमारी भी अब हम मरेंगे हमारे बाप दादे मर गए हमको भी जरूर मरना है हमारी स्थिति इस चीज को नहीं समझ करके बस इसी संसार के इन विषयों में फंसे हुए इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य है जैसे वो इस चीज की रियलिटी को समझे मैं आत्मा क्यों जन्म मरण होता है क्यों इस संसार में रावण जैसा व्यक्ति नेपोलियन जैसा व्यक्ति लेनिन जैसे व्यक्ति आए और उनको मार दिया गया और वो कैसे उनकी गति हुई ये तो आप सभी इतिहास वाले पढ़ने वाले जानते हैं इसलिए मनुष्य मात्र का कि भगवान का नाम करे शादी स्नान करे न करे कोई बात नहीं भोजन करके हो पलंग पर हो चलते फिरते उठते बैठते यहाँ तक छिपते हुए फिसलते हुए भी यदि भगवान का नाम करता है तो इतनी बड़ी शक्ति है और प्रभाव है कि जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और इस रियलिटी की तरफ में सहज रूप में पहुंच करके भगवान का भजन करके इस संसार से आकर्षित करते हैं यही हमारा परिचय है न्याय है हमारे पहले भी इस देश में भक्ति वेदांत स्वामी जिनको प्रभुपाद भी कहते हैं वो यहाँ पर आए थे इस विषय का प्रचार किया तब सब नाम का प्रचार किया उनके जाने के बाद और उन्हीं के निर्देश से आदेश में भी सारे विश्व में कई कभी मैं गया हूँ और सब लोग आदर से सुनते हैं यह मेरी छठी विश्व की यात्रा है जिसमें मैं आया हूँ और यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया होते हुए सिंगापुर होकर के फिलीपाइंस होकर के
वृंदावन छोड़ करके भजन छोड़ करके आने की इच्छा नहीं, किंतु हमारे गुरु वर्गों का आदेश था जो तुम हमारे से शिक्षाएं जो ली है उसका विष्णु इसलिए मैं वहाँ से भारत से निकला तो हमारे एक हैं देवेंद्र नाथ जी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के शिष्य, उन्होंने कहा कि हम फिजी में आपको ले चलेंगे, बहुत से वहाँ पर हिंदू प्रवासी लोग हैं और आपका सुनना बहुत ही पसंद का है। तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति कांतिलाल फुलिया जी से उन्होंने बात की और उन्होंने हमको बहुत आग्रह किया कि आपको जरूर आना, सब प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हम कर, इसलिए हम पहली बार आए थे, दो आए ये तीसरी बार है, दूसरी बार मैंने पहले उनके आकर से आए और यहाँ पर सुबह में और सब जगहों में हम मेरी भाषण लोगों ने बहुत ही आदर किया और फिर उनको आग्रह किया था, इसलिए उनके आग्रह पर जी वासियों के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और याद रखें जो हम भारत से आए हुए हैं अपने घरों को खुलने से तो फिर कहीं के नहीं, इसलिए उनको याद दिलाने के लिए हमारा यह कर्तव्य था कि हम यहाँ पर आए, इसलिए उन लोगों से कहने से ये पूजा परिवार और विशेष आग्रह से और यहाँ पर अभी नदी में हमारे चार पाँच दिन भाषण फिर उन लोगों ने सुबह में की बड़ी चिंता उमड़ रही और फिर हम वहाँ से लंबासा में गए, लंबासा में तो हथियार हुआ है वर्षा मूसलाधार हो गई चारों तरफ में बाढ़ आई तो भी लोग वर्षा में भीगते हुए आते थे, बड़ा उत्साह जैसे कि आपके मुख से हम सुन चुके हैं कि इस दुनिया के कई एक ऐसे भावों में आपने अपना जो वचन है उसे प्रस्तुत किया है और अपने अनुभव के अनुसार यदि हम आपसे पूछे कि वर्तमान समय जो ये संसार है इसका दुखाव लोगों का जो दुखाव है वो किस ओर है, तब आप हमें क्या बताएंगे? आज भी पहले समस्या नहीं है, ये जगत एक जेल खाना है जिसमें कैदी बंद हो गए, तो जिन्होंने भगवान की सेवा छोड़ करके अपने सुख के लिए अपने शरीर को ये समझा है कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ से ऐसी समस्याएं हैं, उसमें बिरले आदमी भगवान का, इसलिए पहले की तरफ में पहले जैसे लोगों का विषय में अपना झुकाव था आज भी उनका झुकाव है, किंतु यह झुकाव कुछ आज के समय में कुछ भयंकर उधार होगा, पहले कुत्ते जैसे परस्पर आदमी लड़ लेते थे पंजों से और ऐसे तैसे, किंतु आज बम निकले हैं और ऐसी चीजें निकली हैं एक मिनट में सारे विश्व को ध्वंस कर सकते हैं, हिरोशिमा जापान में क्या हुआ आप तो जानते हैं और ऐसे ऐसे सब बम और नाइट्रोजन बम हाइड्रोजन बम इत्यादि सब निकल रहे हैं, आज इस तरह से लड़कर के अपने को चपट पा रहे हैं अपने साधारण स्वार्थ, तो लोग भगवान को बहुत भूल रहे हैं, तो भी यह बड़े आनंद का विषय है कि इस युग में ऐसे युग में भी भगवान का नाम प्रचार विश्व में हो रहा है और सब लोग हरिनाम कर रहे हैं, यही एक आशा की जगह है और हम लोगों के प्रचार से हमारे हिंदू लोग या और भी जितने भी हैं विश्व में हमारे बातों को सुन करके, अब जैसे कि एक समस्या है इधर में अपनी पत्नी को दिन में दो बार दस बार छोड़ देते हैं फिर दूसरी पत्नी को लेते हैं, बेटे को मालूम नहीं है कि हमें किसका बेटा, किंतु हम लोगों के प्रचार से कुछ ऐसा धीरे धीरे हो रहा है कि लोग अपने विवाह बंधन में अपने जीवन भर के लिए बंधन रहते हैं, इसलिए इसलिए संसार का झुकाव तो विनाश की ओर है, देख रहा हूँ और बढ़ रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे का माल हड़प लेना चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, ये देख रहे हैं झूठ बोलते हैं व्यभिचार करते हैं और क्या नहीं करते हैं, अपने पिता माता को भी औरंगजेब जैसा काट डालते हैं उनको बीच देते हैं, आजकल धर्म की आड़ में शिष्य भी अपने गुरु को बीच दे रहा है, उनको मार रहा है उनका पद पाने के लिए, ये भी
विनाश की ओर तो जा रहे हैं, तो भी इसमें यही एक अच्छाई है कि भगवान का नाम करने से उसका चित्त बदल जाता है। तो आजकल कुछ ये देखते हैं कि कुछ विश्व में ऐसी प्रवृत्तियाँ बन रही हैं कि भगवान का नाम करना चाहिए और सदाचार को बढ़ाना चाहिए, दूसरों को भी आदर करना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से जिए, हम भी इस तरह से। तो यही इसमें एक थोड़ा सा है अच्छाई है, लोग भगवान का नाम सही रूप में करें, अपने सब काम करें, दूसरों को भी बाधा न दें, अपने सुख से। इसलिए विश्व विनाश की तरफ जाने पर भी थोड़ी सी आशा की किरण मिली थी। सवाल हम आपसे करना चाहते हैं स्वामी जी, हमारे देश में क्या ये आजकल विश्व भर में जो देश की बहुत ही आम समस्या बन रही है, जो है हमारी जो नारी होती है, जो स्त्रियाँ होती है, पहले के जमाने में वैसे हम जानते हैं कि एक दूसरे की शादी होने से पहले जो काम किया जाता था, जो करना था, वो कुछ और था। घर के बड़े लोग इसमें शरीक होकर और अपने बेटी बेटियों का बेटे बेटियों की जो शादी है उसके बारे में जो लोग जाँच करके भी तब ऐसे लोगों की शादी हुआ करती थी। मगर आजकल जमाना बदला है और ये एक अनोखा ढंग से हम कह सकते हैं कि लोगों की शादी हो रही है और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों व्यक्ति जो है वो अलग हो जाते हैं। और फिर दूसरा सवाल ये कि हमारे जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां होती है, नारी होती है, इतना दुरुपयोग आजकल संसार में ज़्यादा करके किया जाता है कि हम उसे केवल एक समय के लिए ही हम उसे इस्तेमाल कर लें और उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। हालांकि ना नारी होती तो ना मैं यहाँ पर रहता, क्योंकि एक नारी ही ने हमें जन्म दिया है। मगर जब हम लोग बड़े होकर ऐसे नारियों का अपमान करते हैं तो ऐसे भी विषयों या ऐसे भी विषय शायद होंगे जो कि आपके समझ आए होंगे, इस समय आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हमारे प्रचार का भी एक अंश ये भी है, आजकल नवयुग समाज भटक रहा है, माता पिता बिना राय के लिए और जैसे तैसे एक लव मैरिज किया, जिसको ये परीक्षा नहीं की जैसे ये कैसे व्यक्ति है, कैसी स्त्री है, किस अंश की है और लड़का कैसा है, अपने आप लव मैरिज किया और दो दिनों में ही खुद की आकृतों में जैसे फिर उनका प्रेम समाप्त हो जाता है, फिर उनका जीवन जीवन भर के लिए बर्बाद हो जाता है, फिर दूसरी स्त्री से फिर वैसा ही करते हैं, फिर वैसे ही हो जाता है। इसलिए हमारे ये जो हम प्रचार करते हैं इसका ये भी विषय है कि ऐसा ना हो। माता पिता उनके सबसे परम बंधु हैं, इसलिए वो सोच विचार करके उसके लिए जो बातें ठीक करेंगे वो सारा जीवन तक चल सकता है। इसलिए अपने काम में अंधे होकर के, भोगों में अंधे होकर के एक दिन के लिए तो ऐसा करेंगे किंतु फिर वो दूसरे से वो चली जाएगी और पुरुष भी दूसरे के साथ में चला जाए। और आज के लिए ही हो रहा है, हमारे भारत की रीति ऐसी थी कि अभी भी बहुत हद तक है और अभी तक हमारे प्रवासी भारत वर्ष के जो हैं उस रीति से चलते हैं वो लोग सुखी हैं, उनके यहाँ ऐसा नहीं है, किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं उनको बड़ा दुख भोगना पड़ता है, बहुत दुख भोगते हैं, उनका जीवन स्थिर नहीं हो पाता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। इसलिए भारत वर्ष में अभी भी रीति है, माता पिता उसे देखते हैं, यदि लड़की अंधी भी है तो कोई बात नहीं, विवाह हो जाने के बाद में लंगड़ी भी हो कोई बात नहीं, सारा जीवन उनका बड़े सुख से बीतता है। विवाह का तात्पर्य यह है कि हमारे धार्मिक विषयों में स्त्रियां आधी अंग हैं, वो मिलकर के चलेंगी, पैरों में पैर मिला करके चलेंगी, पुरुष घर बाहर का काम देखेगा, कुछ रुपए पैसे कमा करके घर की सेवा के लिए वो ठीक करेगा और स्त्रियां घर को संभालती थी। इस प्रकार से ये दोनों चक्के मिल करके वो गाड़ी चलती थी और बड़े सुंदर में चलती। अभी भी जहाँ ऐसा है वहाँ पर ठीक है, जहाँ लोग रूप की तरफ में आकर्षित हुए, गुणों की तरफ आकर्षित नहीं हुए, जहाँ जिस वंश में स्त्री को या बच्चे को शिक्षा वैसे नहीं मिली है, केवल काम इधर उधर करना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करना इत्यादि, वो लोग अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह से बड़े दुखी हो जाते हैं। इसलिए ऐसी न रखकर हम लोग ये
पाश्चात्य देश के भी लोग जो आते हैं, लड़के और लड़कियां भी आते हैं विवाह करने के लिए जब करते हैं, तो मैं कहता हूँ हमारे पास आदेश के लिए, मैं कहता हूँ जैसे विवाह के लिए मैं कहूँगा ये तुम लोग, किंतु एक बार विवाह करने पर किसी दूसरे को नहीं छोड़ना होगा, ये हमारे सामने हमारे ठाकुर जी के सामने प्रतिज्ञा करके कहूँ। जब वो प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं अलाउ करता हूँ। तो अभी तक तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो शादियाँ हम लोगों से हुई हैं वो विदेशी में होने पर भी वो अभी टूटी नहीं, और मैं समझता कि जीवन पर नहीं टूटी, क्योंकि काम के लिए नहीं होकर के उनके गुणवत्ता को देख करके विचार करके ऐसी शादियाँ होती जो जीवन पर निर्भर भोगों के लिए नहीं, एक दूसरों को सहायता करने के उद्देश्य से। स्त्री को सद्धर्मिणी कहा गया है हमारे, और यहाँ पर रमणी कहा जाता है। स्त्रियों को अपने भोग की एक वस्तु पदार्थ समझा जा रहा है, माताओं का बहनों का और कन्याओं का आदर नहीं हो रहा है। जिस देश में यह नहीं होगा वो देश रसात हो जाएगा, वो समाज रसात को चला जाएगा, इसलिए इसका आदर होना चाहिए। जिस देश में समाज में महिलाओं को अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरों को अपनी माताएं और अपने उम्र वाली को बहन और छोटी वाली को कन्या यदि समझा जाएगा तो किसी किसी में कन्या है और वो समाज बहुत उन्नत हो जाएगा। अभी हमने सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो विश्व के सबसे बड़े सभ्य कहे जाते हैं, वो अपने फ्रेंड गर्ल जो ऑफिस गर्ल है और उस पर आसक्त हो गए और उनका संसार में बदनामी हुई। तो जो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, इतने बड़े राष्ट्र का व्यक्ति, वो देश का भला कैसे कर सकता है? अभी भले ही रुपये से होगा, तो अमेरिका में मैं गया था एक बार अभी हाल ही में, तो न्यूयॉर्क के स्ट्रीटों में देखा जब 500 लोग सैकड़ों लोग शराब पी करके एक दूसरों से मार पीट धंधे ये सब नंगे होकर के नाच रहे हैं। मैंने कहा यही सबका देश है, ये तो रसातम में क्या हुआ है देश है। अपने को सभ्य बनाते जो अपने स्वार्थ के लिए बहुत से दूसरों को लाखों को मार सकते हैं, वो क्या सभ्य हो सकता है? इसलिए गरीब देश वो अच्छा है जहाँ पर ये संस्कृतियाँ हैं और उसमें थोड़े से मैं संतुष्ट हैं और उनका सुखी है, हम इसी को सुखी मानते हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र हमारा आदर्श है। इसलिए जिस देश में समाज में स्त्रियों का आदर नहीं है वो समाज अच्छा नहीं रह सकता, जिसमें लड़कियां अच्छी नहीं रहेगी उनका चरित्र अच्छा नहीं होगा। सीता और सावित्री जैसा, राधिका जैसा यदि उनका चरित्र नहीं होगा तो अच्छे बच्चे को वो जन्म नहीं दे सकते, पुरुष भी नहीं जन्म दे सकता है अच्छा। और ऐसा ही होगा जैसे सुअर कुकर का समाज होता है, इसलिए ऐसी चेष्टा होनी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए माता के पिता के ऊपर में विवाह के लिए ठीक है। वो जैसे कहते हैं भलाई करके, वो वंश से परीक्षा करके देखे नहीं कि अच्छी लड़की है कि अच्छा लड़का है, और तब शादी हो, वो जीवन परिचय देंगे। हमारा समाज ऐसा ही होना चाहिए, हमारा प्रचार करके विषय है। इस्कॉन की तरफ से प्रचार करने नहीं आया था। इस्कॉन के जो स्वामी जी थे हमारे गुरु जी से उन्होंने संन्यास लिया था, वो हमारे गुरु भाई हैं, जब तक रहे थे तब तक उसको प्रचार हुआ। अब उनका प्रचार भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, लोगों की श्रद्धा पर नहीं है, वो लोग अर्थ और घर पे जा रहे हैं। हमारा भारतवर्ष का यह प्रचार, इसलिए हम उनकी सहायता करना चाहते हैं और शुद्ध रूप में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। I believe that last year you were also doing it. What is your comment on this? Your main purpose to visit मुख्य उद्देश्य क्या है इस साल फिजी आने का? इस वर्ष फिजी आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वही तो हमने अपना उद्देश्य कहा कि अपने भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के लिए और साधारण लोग भी जनता भी सुखी रह सकें,
ऐसा एक जीवन बनाए हैं भगवत भाव में धर्म जिनका परिवार सुखी रह सके और उनका भविष्य भी सुखी रहे और जन्म मरण से भी निकल जाए भगवान की। यदि कोई सुखी होना चाहता है इस जीवन में तो बिना भगवत उपासना के नहीं हो सकता। अपना कर्म करो, अपना जो कुछ व्यवसाय वाणिज्य करना चाहते हो करो, नौकरी चाकरी करो, किंतु भगवत भाव लेकर के पापों से डरो। ऐसा कोई काम न करो जिससे कि पाप हो। यदि तुमको अपने शरीर में सुई चुभाने से दर्द होता है तो दूसरों को काटने से उसको भी कष्ट होता है। इस चीज को समझो रियलिटी को। इसलिए ऐसी कोई भी तन से मन से बचने से मत करो जो दूसरों को पीड़ा पहुंचे, और इस व्यवहार से दूसरे भी सीखेंगे। इस तरह से एक नया समाज होगा जिसमें सभी लोग सुखी रहेंगे। यही हमारे प्रचार का ये इंग्लिश सुनने वालों के लिए इंटरव्यू ले रहे जा रहे थे दूसरे भाग में, तो अगर आप इंग्लिश में जवाब दे सकें तो एक प्रश्न आप अंग्रेजी में कहाँ से सर दोस्त में सर डॉक्टर कैसे सर आप कौन सा ले लीजिए जवाब दे दीजिए आई कम फ्रॉम इंडिया स्पेशल फ्रॉम वृंदावन इन मथुरा व्हिच इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस एंड फेमस इन ऑल आई कम हियर टू प्रीच Vedic Sanskriti, that is Vedic knowledge and culture. By adopting this, we will all be happy. Not only in this birth, but for all this. Our main preaching is this, that we all, feather, birds and creatures, trees and creepers, human beings, even demigods, all are part and parcel of Supreme Personality of God. And Krishna is Supreme Personality of God. There are no so many Godheads in the whole world, only one. But by the angle of vision of Upasana Padrati, Upasana means worshipful object, we can see that same one God in so many various ways. But God is who creates, G-O-D, the generator, O, operator, and the destructor, everywhere like this. And he has a very beautiful saying. In India, we all admit this, that Krishna has said, Ram has said, they are one God. So, God has said. Also, Christ has also a saying, because his son is Jesus. So, if son has said, his father must be has said. So, God created after his own image. God created man after his own image. So, Bible accepts this theorem. Also, Quran, Muslims, also, they accept this. Inna laha khalaka man surati. Man surati, mane apne surat ke anusar. खुदा अल्लाह ने भगवान को मनुष्यों को बनाया। The same theory that God created, खुदा created man after his own. So he has a beautiful say, and he descends sometime for establishing this religious that we must be happy. So sometimes he comes in the shape of Krishna, Ram, and establishes by killing demons, those who don't recognize dharma, and he established this atma dharma, that we are soul, we are part and parcel of and personality of God. We should try to follow Vedic culture and knowledge. We should try to follow from beginning to serve mata, father and mother, and then guru, and then gradually supreme personality of God. And thus by chanting and remembering and doing these activities of worshipping, we can be happy. Otherwise, we cannot be happy. Only wealth, reputation, family supporting, anyone cannot be happy by all these things. So, we should try to chant Krishna name,
भगवान नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बैक टू होम एंड बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, दिस इज कॉन्फ्रेंस। बिगिन ओनली दिस चैंट यू विल डू, वी कैन नॉट प्लेस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बाय सिंपली अर्चन एंड ऑल अदर्स। बाय मेडिटेशन we cannot meditate him because we have not seen him. You cannot meditate my father because you have not seen him. So they have not seen anyone supreme personality of Godhead. So how they can meditate? So easily how he is, by chanting his name, he will come in our heart. Swamiji, finally, it was very touching when you were speaking about the women discrimination and the violence that is happening against women nowadays than what it was during the olden days. Could you also say the yes. same in English? Oh, you know that Sita Devi, Ravana was so lusty and was like a demon, but he was the son of any Brahmin. And he took away Sita and she was alone in forest. But Ram was not there and he stole. But what happened? He has 1 lakh son and so many more than lakhs, he has so many wives. Huh? Wives. Wives and sons and sons' sons. Grandsons. But he was all their killed. Never. His kingdom was made of gold and jewels, but because he was in a bad turn, he used to take beautiful wives and ladies and girls from here and there. He used to smoke and he used to take mud. And thus he was destroyed. Also we have so in history, though we have like this lusty, not giving respect, proper respect to ladies. So we should change. But also, the ladies are also in fault. Now in the days, they come and walk in the streets naked, half naked. And they invite the young person to be like that. So they should also be like this, all of them. Otherwise, also this part. So nowadays, ladies are not in their control. They also invite all these bad things. They should be also proper. Just way in so that those. Thank you very much. Thank you also. Bus is waiting outside. Yeah. Bus, 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 bus,